नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिर से लौटा दिया। 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 8 नवंबर 2024 को 4-3 के बहुमत से फैसला दिया है कि एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। इस तरह कोर्ट ने अपना 57 साल पुराना फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले में कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पूरा मामला क्या है, क्यों माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसमें सरकार की क्या भूमिका थी, विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले संक्षेप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास आपको बताते हैं। सर सैयद अहमद खान का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो बताए देते हैं। साल 1817 में दिल्ली के सादात यानी सैयद खानदान में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ। 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप न्यायाधीश बन गए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष शिक्षण संस्थान बनाए जाने की जरूरत उनको महसूस हुई। उन्होंने साल 1873 में मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड नाम से कमेटी बनाई। इस कमेटी ने साल 1875 में अलीगढ़ में मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखते थे। हालांकि उस दौर में किसी आम इंसान को यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत नहीं थी। कुछ सालों के भीतर अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। ब्रिटिश हुकूमत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश सरकार की मदद से मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कमेटी ने एक्ट बनाकर साल 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बहरहाल हम लौटते हैं असल मुद्दे पर, यानी माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब कब चर्चा में रही। आजादी के बाद से केंद्र सरकार ने एमयू एक्ट में 2 बार संशोधन किया। इन संशोधनों के जरिए यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। पहला संशोधन साल 1951 में हुआ। इसके तहत एएमयू एक्ट के सेक्शन 8 और 9 को खत्म कर दिया गया, यानी मुस्लिम छात्रों को अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने वाली बात खत्म कर दी गई। साथ ही हर धर्म और जाति के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए गए। साल 1965 में एएमयू एक्ट में 2री बार संशोधन हुआ। इसके जरिए कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की सुप्रीम पावर को घटाकर बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ही इसके लिए एक गवर्निंग बॉडी बना दी। इसी साल एएमयू को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दायरे में ले आया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन इस संशोधन के खिलाफ आवाज उठाई। साल 1967 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 5 जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता अजीज बाशा का तर्क था कि सर सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इसे बनाने के लिए चंदा करके धन जुटाया था। एक अल्पसंख्यक की कोशिशों से एएमयू की शुरुआत हुई, इसलिए इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानते हुए अपने फैसले में कहा, सर अहमद खान और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार के पास गई। सरकार ने कानून बनाकर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी और उसे शुरू किया। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को ना तो मुस्लिमों ने बनाया और ना ही इसे चलाया। यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय भारत सरकार ने की थी, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 13 साल बाद यानी 1981 में केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में फिर संशोधन किया। एएमयू एक्ट के सेक्शन 2(1) में बदलाव कर यूनिवर्सिटी को मुस्लिमों का पसंदीदा संस्थान बताया गया। साथ ही इसके अल्पसंख्यक दर्जे को फिर से बहाल कर दिया गया। सरकार ने तर्क दिया कि यूनिवर्सिटी भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों को शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने का आधार मजबूत है। ताजा विवाद साल 2005 में शुरू हुआ, जब एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान मानते हुए मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी। हिंदू छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ
इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। छात्रों की दो मांगे थी। पहली, अल्पसंख्यक दर्जे के तहत यूनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों को 50% आरक्षण देना बंद करे, और दूसरी, मेडिकल की सभी सीटों के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट या तो यूनिवर्सिटी कराए या फिर एम्स। बता दें कि उस दौर में मुस्लिम छात्रों के लिए एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटी लिया करती थी, जबकि सामान्य वर्ग की सीटों के लिए एडमिशन टेस्ट एम्स करवाता था। हिंदू छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2006 में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साल 1981 वाले संशोधन को अमान्य करार दिया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले को गलत तरीके से बदलने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने एमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना। इस तरह साल 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। इन याचिकाओं में हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई। इसमें एक पार्टी केंद्र सरकार भी थी। हालांकि साल 2016 में केंद्र सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली। केंद्र का तर्क था कि यूनिवर्सिटी में लागू एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में इस मामले को 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 9 जनवरी 2024 से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना 57 साल पहला फैसला पलटते हुए यूनिवर्सिटी को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हक जो है वो दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच करेगी। बेंच इस फैक्ट की जांच करेगी कि क्या एएमयू को अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया था। बहरहाल ये तो था पूरा मामला। अब ये भी जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट पर क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एएमयू में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी। साथ ही एससी एसटी और ओबीसी छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले का असर जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत देश भर के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट पर भी देखने को मिलेगा, यानी उनका माइनॉरिटी स्टेटस बना रहेगा। बहरहाल आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अमित गुप्ता ने। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।